स्कूटी तो यहाँ फंसा दी ने। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 6 या 6:30 समथिंग हो रखा है टाइम, और मैं हो चुकी हूँ रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी के ना दोनों साइड से दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। और आज का मौसम देख सकते हैं, भीनी भीनी सी बारिश हो रही है, और ऐसे में स्कूटी में जाना है क्या होगा ऐसे समझ में नहीं आ रहा। और आजकल ना हमारे खेतों में देखो, यहाँ ये ताई लोग का खेत है हमारा, इसमें भुट्टा हो रही है, और हमारे वहाँ भी लग रही है भुट्टा पीछे वहाँ उधर। मुझे भुट्टा इतनी पसंद है ना, आप लोगों किस किस को भुट्टा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे सोयाबीन के खेतों में डाली थी दवाई, तो सारा का सारा घास देख सकते हैं, जितना घास हो रहा था ना सब येल्लो येल्लो होने लग गया, और सोयाबीन के पेड़ वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। और स्कूल के बच्चे जाने लग गए, देखो मेड़ के रास्ते सुबह सुबह कैसे जाते होंगे, तो उधर स्कूल के बच्चे मेड़ के रास्ते आ रहे, तो इतनी गीली होती है ना ये मेड़, इतने इसमें इतनी घास होती है ना क्या बताऊँ। भैंस मार्ट की होगी घास मार वाली दवाई, उससे सोयाबीन के पेड़ के जल गए, उधर को नहीं जले हैं। हाँ उधर को सही है, पाइप के अंदर घुसा होगा ना वो, तो उसने धोया था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा असर आया। तो अभी मम्मी के लिए आज हम बनाएंगे शाम को गुनू के, क्योंकि बहुत खाने का मन कर रहा है। भिंडी के पेड़ भी दिख रहे हैं, आप इन आलू के पत्ते से हम बनाएंगे गुनू के। तो अभी चलते हैं सीधे पहले दुकान, क्योंकि हमारा हेलमेट वही रह गया है, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से हॉस्पिटल की ओर। कैसे लड़ाई करने लगता है, पहुंच गया है कैंट एरिया, और हमने कर दिया स्कूटी खड़ी पीछे, और मम्मी चले गई है आगे, और वहां जाके नंबर लगाना पड़ता है, एक बार नहीं दो बार नंबर लगाना पड़ता है। एक बार पहले वैसे लिखते हैं वो लोग नंबर, उसके बाद दोबारा फिर से नंबर लगता है, तो वही सब चल रहा है। और अभी चलते हैं सीधे अंदर। तो अभी हम लोग लग गए थे लाइन में, मम्मी का तीसरा नंबर था, उसके बाद दांत वाले में भी हमारा तीसरा नंबर था, तो पहले हमने थायराइड वाला दिखा लिया, उसके बाद फिर हम दांत दिखाने के लिए चले गए दांत वाले हॉस्पिटल जो वहाँ का वो था, उसके बाहर से कमरे के बाहर से। और मम्मी बता रही है अपने दांतों का दुख, कैसे दांत तोड़ रहे एक एक करके, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया, मम्मी के दांत ही तोड़ने में हूँ मैं। तो गाइस अभी हम लोग बैठे दवाई के लिए, अभी मम्मी का दांत भी नहीं टूटा ना, उसमें वो रूट कैनाल हुआ, क्योंकि मम्मी को एंटीबायोटिक खाने दांत तोड़ने के लिए दोनों साइड से दर्द हो रहा है, तो एक मतलब ना तोड़ ही पा रहे हैं ना उसको फिलिंग करवा पा रहे हैं। 3 दिन की दवा खानी है, कल परसों 14 तारीख को दिखाने के लिए आना है, उसके बाद तो तब तोड़ने के लिए, हाँ फिर तोड़ेंगे 14 तारीख को, उसके बाद फिर 7 दिन बाद दूसरे दांत में रूट कैनाल करेंगे। बहुत काम है भाई, तो अभी चलते हैं घर को, मम्मी को टेंशन होने लगी तू तो चले जाएगी, मैं जैसे कि मैं कहाँ जा रही हूँ दुनिया छोड़ के, यही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी महीना आ रहा है ना गाई से आ रहा है, ऐसे तो मौके मिलते हैं। तो अभी चलते हैं घर, यहाँ से अभी थायराइड का टेस्ट कराने के लिए जाना है हमें, तो स्कूटी निकालते हैं, स्कूटी तो यहाँ फंसा दी इनने। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिजलाल में, तो यहाँ पर आर्मी वाला कार्ड लगाना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों ने कराया टेस्ट, वहाँ से रेफर बना के लाए, यहाँ पर थायराइड वगैरह का टेस्ट कराने के लिए दे दिया है, और मम्मी का पर्चा वगैरह बन चुका है, अब जाने लग गए हम टेस्ट करने के लिए। तो दूसरा भी टेस्ट है, नंबर लगाने के बाद मम्मी और मैं बैठ गए हैं हॉस्पिटल में, नंबर में 5वां नंबर होगा हमारा, उसके बाद नंबर आया। अभी मम्मी का टेस्ट करा दिया है, मतलब नहीं रखते सब कुछ निपटा निपटो, अब चलते हैं घर को। आज मैं बनाना ली वड़ा पाव, खाओ ना वड़ा पाव, खाओगे टेस्ट तो करोगे कैसा होता है। हे प्रभु, ये फाटक लगना कब बंद होएगा, फिर फाटक लग गया, अब हम यहाँ पर रुक गए हैं 5-10 मिनट के लिए। हमारे दुकान के फर्स्ट कस्टमर बैठे हैं आज हमारे सामने यहाँ पर, और वहाँ खड़े तो भाग रहे हो कैमरा देख के, तो उधर उधर से जा रहे हो। तो शादी के लिए भी लो आपको, तो पुष्कर उसका देता है।
आप लोग भी, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वो लगाए हैं, प्राइस लगाए हैं। तो आइए और शॉपिंग कीजिए राखी की नाम पे। वही तो, राखी में अपनी बहनों को गिफ्ट दीजिए और अपनी मतलब जो रिश्तेदारों को गिफ्ट दीजिए। आइए कपड़े ले जाइए, बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत अच्छे रेंज में भी कपड़े हैं। मतलब हमारे यहाँ 100 से स्टार्ट है, 1500-2000 तक, बस उतने तक ही। अगर आप लोग ऐसी हमारे पे कृपा बसाएंगे तो फिर हम और अच्छा अच्छा लेके आएंगे सामान, फिर हम जेंट्स का सामान भी रखना शुरू करेंगे धीरे धीरे। मौसा जी का हमारे मूड खराब हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मौसा जी के लिए अच्छे है मेरे पास शॉर्ट वाले। अरे वो हेयर वाला तो अच्छा लाएंगी मैं, अभी ले लेती हूं फोटो लेके। एकदम चेक बारीक चेक में प्लेन में प्रिंट में बारीक चेक दे दो, कितनी अच्छी कमीज है। कंपनी फूल कौन पहनता यार, मौसा जी अंदर का है, मम्मी कह रही आप फूल पहन के आए। अभी मैंने बताया ना मौसी लोग आए थे, तो मौसी ने एक बात बताई हमारे ना उधर के साइड जो खेत है वहाँ अजगर मिला। वल जब हम दिल्ली से आ रहे थे उसी दिन की बात है, तो इसी मतलब इसी गर्मी में 3 सांप पकड़ के ले गया, सांप पकड़ना ला हमारे यहाँ से। तो यहाँ चलने में इतना डर लग रहा है ना यार, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये सफाई हुई नहीं है बिल्कुल, इतना गंदा और था ना। और हमारे यहाँ की साइड भी घास येल्लो हो गया, देखो मम्मी येल्लो हाँ येल्लो होने लग गई है, देखो बहुत फर्क था, मैं पूरा खेत येल्लो लग रहा था। अभी शॉप से आ गए हम लोग घर, अब करते हैं पूजा पाठ, हाथ पैर में धो के ला गई हूँ, तो अभी करते हैं पूजा पाठ फटक से, उसके बाद बनाएंगे खाना पीना कुछ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कहाँ को जाना है आपको, थोड़े दौड़ने दे, मेरे को चलने के नहीं दे रहा, वॉक नहीं करने दे रहा, हट जाओगे नहीं। ये देखो गाइस इन दोनों का हाल, अरे अरे अरे। सो गाइस खाना वाना तो खाना नहीं है क्योंकि मैंने आज वड़ा पाव खा लिया था, तो अभी खा लिया था, मन चले गया, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जुबान पे कौन ही रोक लगा सकता है अपनी। तो अभी मैं करने लग गई हूँ वॉक थोड़ी देर, शाम को रात को खाना खाने के बाद वॉक करती हूँ हमेशा, तो आज वैसे ही कर रही हूँ, खाना तो पहले खा लिया था, तो अभी करते हैं वॉक। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। और हाँ कमेंट करना प्लीज़ मस्ट जरूरी है, कमेंट करके बताइए आप लोग को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कुछ गलतियाँ जो जैसी आपको वीडियोस चाहिए वो सब आप बताइए, हम वैसी वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।